हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का सब काम करके और अब हम बड़े खुशी की बात है कि अब हम सेकंड टर्म में आ गए। और सेकंड टर्म में जैसा हम लोग जो कार्य करेंगे वो एस्थेटिक आर्ट बुक पर करेंगे। ये सब आपके सिलेबस में है और ये सब आपके पास है। तो इसमें हम एस्थेटिक आर्ट में जो भी पेंटिंग है वो इसमें बनाएंगे, कुछ पेंटिंग हम इस बुक से आर्ट फैले बनाएंगे। तो मैं आज से स्टार्ट करता हूं पेज नंबर 9 से। हमारा पेज नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है काम, और ये आपको सब आर्ट बुक में ही करना है। जिनके पास आर्ट बुक नहीं है वो परचेज कर लें, जिससे उनके ये कार्य सिक्वेंसी वाइज होते रहे। थैंक यू। तो इसमें हम लोग ये नेचर स्टडी से ये है पहला, और इसमें रोज है, तो रोज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे, थोड़ी सी ड्राइंग चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पेंसिल स्केच के बाद फिर आप ब्लैक स्केच पेन से करेंगे। ये आपकी ड्राइंग हो गई और हम इसके बाद इस पेंसिल को इरेज कर देंगे। पेंसिल से इरेजिंग के बाद अब हम इसको पहले लाइट पिंक कलर लेंगे। और भी पहला असाइनमेंट आपका पेंसिल कलर से है। इसमें हम लाइट पेंसिल कलर लेंगे और कोशिश करें कि पेंसिल कलर जो चलाएं तो वो मिक्स रहे और आपका एंगल एक ही रहे उसमें। बहुत से बच्चे हैं वो एक एंगल नहीं लेते, कभी उनकी पेंसिल ईस्ट जाती है, कभी वेस्ट जाती है, तो ऐसे उससे खराब हो जाता है। देखो मैंने लाइट पेंसिल ही लीज से कराया काम, अब मैं थोड़ा सा इसको पुश कर रहा हूं तो इसमें थोड़ा सा टोन चेंज होगा, डार्क होगा। पेंसिल को जब थोड़ा सा पुश करेंगे तो सेकंड टोन उसमें आ जाएगा। अभी मैंने रेड लिया है,
इस तरीके से हम करेंगे और फिर हम येलो लेंगे और ग्रीन हम थोड़ा सा येलो करेंगे लीफ में स्टार्टिंग में, जैसे हमने बोला है कि स्टार्टिंग के लीफ में थोड़ा सा येलो कलर होता है, और मेरे पास टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट काम करता हूं, लेकिन आप बहुत ही पेशेंस के साथ काम करेंगे, कि जब आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपको और भी अच्छा ही बनेगा। जैसे इसमें लाइट ब्लू है तो थोड़ा सा लाइट ब्लू मैंने लगा दिया है, लेकिन इसमें लाइट ब्लू आप बहुत अच्छे से लगाएंगे। इस तरीके से आपका ये एक असाइनमेंट हो गया। ऐसे ही आपको इसी बुक पर काफी सारे असाइनमेंट बनाते चले जाएंगे, और ये जब असाइनमेंट आप लिखें तो इसमें डेट जरूर डाल दें। थैंक यू वेरी मच।